गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, अब हम आ चुके हैं, कटरा स्टेशन से निकल चुके हैं और यहाँ से ऑटो पकड़ के सीधा जाएंगे ऊपर ना। और होटल थोड़ी जाएंगे अब जाएंगे। हाँ गाइस, चलो पहले होटल जाएंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे वैष्णो देवी जी के दर्शन करने, चढ़ाई करने, और जो भी नज़ारा है सब आपको दिखाएंगे। और फिलहाल पहला ब्लॉग तो एंड कर चुके हैं, दूसरा हमने स्टार्ट कर दिया है। पहला ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता, तो भाई बने रहिए ब्लॉग में। बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत भाई सब वादियाँ हैं, सब दिखाने वाले हैं आपको। तब तक के लिए जय माता। चल रहे हैं भाई वैष्णो देवी मार्ग पर, और यहाँ की मार्केट तो वाकई भाई टॉप की है, अच्छी मार्केट है। मौसम भी थोड़ा सुहाना सा होगा, बादल हो गए हैं ऊपर, धूप थोड़ी कम होती जा रही है और अब थोड़ा मन सा लगने लगा है। बाकी अब ऐसा तो जम्मू कश्मीर की सड़कों पे है भैया, मन तो लगेगा ही। चलो दिखा दूँ तुम्हें यहाँ की मार्केट का कुछ छोटा सा नज़ारा। मार्केट से निकल के भाई पहाड़ की तरफ चल दिए हैं सारे के सारे, और ये देखो भाई पहाड़ का नज़ारा। ये अब तक का भैया पहला नज़ारा स्टार्ट हो चुका है पहाड़ों का, और अब पहाड़ के ऊपर ही ऊपर चलते रहेंगे। ये देख लो गाइस, ये है अभी कुछ पहाड़ का नज़ारा, जस्ट स्टार्ट हो चुका है और दोबारा मेन रोड पर आ चुके हैं। अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होएगी, दिखाता रहूँगा आपको भाई हर चीज़ बढ़िया बढ़िया। पहाड़ों के करीब पहुंचते जा रहे हैं भाई, पहाड़ों के करीब पहुंचते जा रहे हैं। और ये देख लो नज़ारा भाई पहाड़ों का भी होता जा रहा, और ठंडक भी बढ़ती जा रही है भाई जैसे जैसे पहाड़ों के करीब जा रहे हैं। नज़ारा ऐसा है भाई ताबड़ तोड़ करते ही। रोहित जी देख लो भाई कते रेडी फोर्ट तैयार हो गए हैं, और यो गले में पट्टा डाल दिया, ये पट्टा यहाँ का बहुत ज़रूरी है भाई, इस पट्टे के बगैर ना तुम्हारी यात्रा है ना तुम्हारी की औकात है, ये पट्टा बहुत बेस्ट है। और देखो माता का भवन तो यार ये तो है नहीं, अभी जाएंगे हम, पहले हम बाणगंगा पहुँचेंगे, बाणगंगा से बाद नहा के फिर हम चढ़ाई करेंगे। और भाई पहाड़ों का व्यू देख रहे हो आप, कितना मस्त होना लग रहा है। यहाँ इनकी सिक्योरिटी चल रही है, ये भैया ट्राईपॉड बेक रहा देख लो। चलो भाई चलते हैं हम यहाँ से, सीधे अब वीडियो शूट करूँगा पहाड़ों पे ही, आपको जो नज़ारा दिखाऊँगा भाई पहाड़ों का दिखाऊँगा। निकलते हैं तो गाइस यहाँ से और चलते हैं सीधा ऊपर, पूरी टीम अपनी जय माता दी। भाई यात्रा करते करते आ चुके हैं बाणगंगा के बीच में, और ये देखो भाई ये है बाणगंगा। बहुत ही शीतल जल आ रहा भाई, और ये है यहाँ का नज़ारा। ये आ चुके हैं पहाड़, अब हम यात्रा को और बढ़ाते जा रहे हैं, लगभग 1 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। रोहित भैया को आने लगे हैं चक्कर और बढ़ा रहे हैं भाई, चल रहे हैं सहज सहज माता रानी की कृपा से। और ये देखो कुछ ये नज़ारा भाई, चारों तरफ का पहाड़ वहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और अभी तो बहुत कुछ होने वाला भाई। थकंगे दिख रहा ढंग, बहुत लंबी चढ़ाई है। राधे राधे राधे। फाइनली गाइस माता रानी पे हाथ पैर धो लिए हैं, ये हैं बाणगंगा। और यहाँ पे देखो काफ़ी श्रद्धालु हैं जो भैया नहा रहे हैं, अपना जो इनकी श्रद्धा है वो कर रहे हैं। और ये है भैया चारों तरफ का व्यू, पहाड़ आ चुके हैं और अब हम चल रहे हैं और ऊपर के लिए, माता रानी की कृपा से।
देख लो गाइस, मौसम बड़ा सुहाना हो चुका है और सिस्टम हैंग हो चुका है हमारा। रोहितिया का दोनों का सिस्टम हैंग हो चुका है। वह बड़ी तकड़ी चढ़ाई है भाई। हम तो सोच रहे हैं ऐसे समतल समतल होएगी, जहर जहर चढ़ जाएंगे, पर दोनों की दुर्गति और बहुत कड़ी हो चुकी है। वैसे ही घोड़े पे बाबत है राधा रानी की कृपा, माता रानी की कैसे चलाएंगे। चलो गाइस चलते हैं। हाँ तो भाई सिस्टम हो चुका है, इनका तो चढ़ना बस किनारे आया बिल्कुल, और अभी तो बहुत चढ़ाई है। और भाई रोहित भैया देख लो वो जा रहे मेरे मार्केट, और अब देखो मौसम थोड़े देर में बादलों में आने वाले हैं गाइस, दिखाता हूँ चलो आपको चलने सर से। गाइस चारों तरफ मामला सुन हो चुका है, दिखाई कुछ दे नहीं रहा है, इतना शूट हो रहा कर रहा हूँ भाई। जय माता दी, यात्रा चल रही है भैया, चले इसको को? ये शॉर्ट है लॉन्ग है, बैरिंग देख लो वहाँ होगा यार। हृदय के रोगी वृद्ध या वृद्ध वाले नाचने इस पे सीढ़ियां पकड़ लिया गाइस, थाई बन जाएंगी आज ही। सो गाइस सीढ़ियां पार करके अभी तक यहाँ आप पहुंचे हैं, और अभी तो देखो भाई ये आए हनुमान जी महाराज। जय माता दी दोस्तों, चढ़त चल रही है भैया, इतनी तकड़ी चढ़ाई है, सिस्टम हैंग होगा है। रोहित भी यादव सब नहीं कह रहे हैं कि चलो यहीं से वापस, और देख लो भाई तो मैं दिखाता हूँ अब चढ़ाई कहाँ तक है। ये तो आधी भी ना है, 4 किलोमीटर और इस ऊपर चढ़ना है, जहाँ तक दिख रही है पब्लिक चढ़ाई चढ़ाई है, नीचे धुंध भी पड़ी है, नज़ारा वाकई बहुत तगड़ा है। ये देखो गाइस जितने ऊपर आ चुके हैं भाई, ये है नीचे का व्यू देखने को मिला भाई, बड़ी मुश्किल से शाम के लगभग 7:30 बज चुके हैं। चलो गाइस चलते हैं। कंबल के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है जी? कंबल के लिए कंबल का हो रहा हूँ, कंबल स्टोर हो रहा हूँ, देखो गाइस। माता रानी का दरबार हमें दिख चुका है, सामने है माता रानी का भवन। सांस उल्टी सूदी आ रही है, पर कृपा भैया महारानी की पहुंची जाएंगे, और फिर आपको दिखाते हैं वहीं से नज़ारा पूरा, क्योंकि पता नहीं वहां पे पुलिस वाले अलाउ कराने का ना वीडियो बनाना, तो फिलहाल दूर से एक बार दिखा रहे हैं। चलो गाइस चलो। गाइस पहुँच चुके हैं भाई फाइनली माता रानी के दरबार में, उनकी कृपा से ठीक ठाक, और अभी जा रहे हैं बस वहीं पे, अभी सब पीछे से आ रहे हैं, मैं रोहित भी आ गए हैं पहले, तो निकलते हैं भाई आपको दिखाते हैं वहाँ का टॉप व्यू। तभी तक के लिए राधे राधे। हाँ हाँ जय जय श्री राधे श्याम। अधिकुमारी मंदिर पे तो आ चुके हैं भाई, अब यहाँ पे नहाएंगे खाएंगे पियेंगे, और ये देखो यहाँ पे तो फूड फूड की दुकान है, चाउमीन बर्गर, इन्हें देख के भाई भूख लगन लगी है, ऐसी भूखे डोलने हैं सुबह से। और अभी तो बहुत ऊपर जाना, देख लो दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत उजाला सा, उससे भी ऊपर जाना गाइस, चलते रहो भैया तुम भी और हम। सो गाइस पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार में, उनकी कृपा से, ये देख लो भाई आगे अलाउ नहीं होगा फ़ोन, रोहित ये जा रहे, तो मैं इस ब्लॉग को ही एंड करता हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब, राधे राधे।